हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पालबी वसनायत, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडीनेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। टियांस इंटरनेशनल पिछले 28 सालों से दुनिया के 224 देशों में, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की सेहत को अच्छा कर रही है। वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स टियांस बना रही है। ऑलरेडी करोड़ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। आईडीनेट सिस्टम जो कि बहुत सारे लीडर्स के मदद से बनाया गया एक सिस्टम है, जिसमें अगर मैं बात करूं 20 साल का मेरा अनुभव, आज से ठीक 20 साल पहले सन 2003 जुलाई के महीने में मुझे टियांस के साथ जुड़ने का मौका मिला। टियांस इंटरनेशनल में अगर मैं बात करूं तो मेरे सारे सपने पूरे हो चुके हैं और बड़े बड़े सपने आज यहां बनते जा रहे हैं। पूरी दुनिया का घूमना, पूरी दुनिया की सैर करना, 55 इंटरनेशनल टूर, 7 फिगर की मंथली अर्निंग्स, ग्लोबल रॉयल्टीज, एक शानदार लग्जरी लाइफस्टाइल इस बिजनेस की वजह से। I feel very proud about myself and I feel very blessed. तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि ईश्वर ने हमें एक ऐसा काम दिया जिस काम की खासियत यह है, कर भला हो भला, do good have good। जब तक हम लोगों की मदद नहीं करते हैं, जब तक लोगों को हम सक्सेसफुल नहीं बनाते हैं, हम कामयाब नहीं हो सकते। आज हमारी टीम में अनगिनत लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, अनगिनत लोग पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं हमारे साथ और एक शानदार लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इसी कड़ी में आईडीनेट सिस्टम का ये प्रोग्राम हर रोज शाम को 9 बजे होता है। कंसिस्टेंटली पिछले 3 साल से, जब पेंडेमिक शुरू हुआ उसके बाद ये आईडीनेट सिस्टम शुरू हुआ ऑनलाइन। हम ऑफलाइन थे लेकिन हम ऑनलाइन बिकॉज ऑफ पेंडेमिक हुए। इस पेंडेमिक में दोस्तों हम सब ने मिलकर सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो नॉर्मल टाइम में भी हम वो बिजनेस नहीं कर पा रहे थे या वो काम नहीं हो रहा था। जो ग्रोथ की है इसी पेंडेमिक में, जब दुनिया त्राही माम कर रही थी, तो आईडीनेट सिस्टम और टियांस का ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ ले रहा था। तो रियली ये पावर है दोस्तों सिस्टम की और ये पावर है दोस्तों डिजिटल टेक्नोलॉजी की। आज का जैसे टॉपिक है बिग गोल्स आर पॉसिबल, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ड्रीम्स टियांस अपॉर्चुनिटी से पॉसिबल है। अगर आप चाहो अपनी जिंदगी के बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े टारगेट, बड़े बड़े गोल जो हैं, आप टियांस की इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी से। टियांस एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर 1,000 एकड़ में फैला हुआ है तियानजिन चाइना में। एक शानदार कंपनी, आज वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में शामिल है, क्योंकि टियांस के जो प्रोडक्ट हैं दोस्तों बहुत ही रिवॉल्यूशनरी हैं। और साथ में जो मार्केटिंग प्लान है, जिसमें आपने देखा कि कोई भी शख्स पहले महीना, दूसरा महीना, तीसरे महीने में ही 10, 20, 30, 50 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए महीना तक कमाने की यहाँ पे ताकत रखता है। ऐसा मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया गया है। एक ऐसा मार्केटिंग प्लान, अगर उसमें आप दिल से मेहनत करें, 1 साल के अंदर आप यहाँ से कईयों लाख रुपए कमाने वाले इंसान बन सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ दोस्तों, टियांस का ये जो अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, इसकी ब्यूटी है, अगर आपका सपना है, आप दुनिया घूमना चाहते हैं, सैर करने का शौक है और आपको लगता है मुझे पूरी दुनिया देखनी है, तो यहाँ पर आप फ्री में विदाउट खर्चा किए हुए आप पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप चाहते हो कि आपके पास एक शानदार गाड़ी हो, शानदार घर हो, ये भी यहाँ से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों एक ऐसी जगह जहाँ पर जो भी जिंदगी के खास खास वजह होती है, कारण होते हैं, उसको पूरा करने का मौका है। बात आती है दोस्तों कि ये बड़ी बड़ी चीजें जो मैं अभी फिलहाल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरे लिए भी कभी सपना हुआ करती थी, मेरे लिए भी कभी असंभव चीजें थी, बट ये टियांस की पावर है, टियांस का ये प्लेटफॉर्म है जहां पर हम जैसे ऑर्डिनरी लोग, हम जैसे गरीब लोग आज अमीरी की तरफ बढ़ रहे हैं, या मैं कहूँ कि हमारे जैसे ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो आज शानदार जबरदस्त लाइफस्टाइल यहाँ से एंजॉय कर। तो टियांस एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म जहां पर आप बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते। दूसरी बात है दोस्तों सिस्टम, सिस्टम का नाम है आईडीनेट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम
जो एजुकेशन देता है आपको, ट्रेनिंग देता है आपको और मोटिवेशन देता है। एक ऐसा सिस्टम जिसकी ताकत है कि आपको आजादी मिल सकती है। आजादी किस चीज की? टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम। और सिस्टम के बारे में अगर आपने सुना होगा कि सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, क्या आप जानते हैं दोस्तों सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का अगर मैं ब्रेकअप करूंगा, सिस्टम SYSTEM मतलब सेव योर सेल्फ एनर्जी टाइम एंड मनी। आप अपना यहां से एनर्जी बचा सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो और अपने पैसे बचा सकते हो। आज हम लगभग लगभग इस पैनल में 250 लोग बैठे हैं। अगर 250 लोगों को हमें प्रोग्राम करना हो, मीटिंग करनी हो, गेट टुगेदर करना हो, आपको एज ए लीडर आप हैं और आपको करना है, तो आप सोचिए कितना टाइम लगेगा उसके लिए, कितना पैसा लगेगा उसके लिए, कितनी एनर्जी लगेगी हमारी सबकी। बट ये पावर है सिस्टम की, कि सिस्टम की वजह से हम इस टाइम यहाँ बैठे हुए पैनल में। और खास बात यह है कि हर रोज हो रहा है प्रोग्राम, एवरी डे, जो कि हम नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। ये पावर है एक प्लेटफॉर्म की, एक जगह की। हमने टारगेट बनाया, हमें एक जगह इकट्ठा होना है, जिसे कहते हैं यूनिटी इज द पावर। ये पावर है, सिस्टम की पावर है दोस्तों, कि यूनिटी में रहना है, सबमिशन में रहना है। और जो भी हम बोलेंगे, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, वो हमेशा एक जैसा होना चाहिए। कहते ना, अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपको अलग अलग बातें बोलनी पड़ सकती है, अलग अलग आदमी अलग अलग बातें बोलेगा क्योंकि झूठ है। और सच तो हमेशा एक ही बोलने की जरूरत है, सच को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सच कहते हैं द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो भी मुंह से बोले हम, शुभ शुभ बोले, अच्छा अच्छा बोले, पॉजिटिव पॉजिटिव बोले, कैसा भी चैलेंज हो, हर हालत में हमें पॉजिटिव रहना है। ये है, ये सिस्टम सिखाता है कि जो पावर है दोस्तों यूनिटी में, पावर है सबमिशन में। यूनिटी में हम साथ में इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे की शक्तियां दोस्तों इकट्ठी होती है, जिससे हम पावरफुल होते हैं। इसके अलावा सबमिशन की बात करें, सबमिशन होता है दोस्तों कि आपको किसी ना किसी को अपना गुरु या मेंटर बनाना है। ये जिंदगी में चाहिए। अगर जिंदगी में आप कामयाब, अगर आप चांस नहीं भी करते, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हो, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो दोस्तों, किसी ना किसी कामयाब इंसान का तो हाथ आपको पकड़ना चाहिए। ये प्रूवन है दुनिया में, इफ यू वॉन्ट टू गेट रिच, फाइंड आउट समवन हु इज ऑलरेडी रिच, डू व्हाट दे आर डूइंग, यू कैन डू एंड यू विल बी रिच। अगर आपको लगता है कि एक ऐसा काम, जैसे कि हमारे बिजनेस की ब्यूटी है, हमारा तो बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है। हमारे बिजनेस में आपको सिर्फ डुप्लीकेशन करनी है, नकल करनी है, कुछ अपना नहीं है आपको ऐड करना है। एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म में हमारे जैसे अनगिनत लोग आ जैसे हैं, जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी जिंदगी को शानदार बना चुके हैं, और वो यहाँ आके हमें बताते हैं। तो ये पावर है सिस्टम की, सिस्टम हमें सिखाता है, सिस्टम में जो लोग हैं वो हमें बताते हैं कि वो कैसे कामयाब हुए, उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह का उनका माइंड सेट था, किस तरह की उनकी सोच थी। और आज मैं आपको 7 ऐसी बातें बताने वाला हूँ, जिसको मैं कहता हूँ कि ये बिजनेस जो है दोस्तों, ये माइंड सेट का बिजनेस है। आपका जो माइंड सेट है वो कैसा है? क्या आप यूनिटी में काम करने में विश्वास करते हो? क्या आपको लगता है यूनिटी में काम करके फायदा होता है? अगर यस, इसका मतलब आपके माइंड सेट बिल्कुल सही है। क्या आप सबमिशन में हो? क्या आप अभी नए हो? जो लोग इस काम को पिछले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल से कर रहे हैं, 15-20 साल से कर रहे हैं, क्या अगर आपको वो गाइड करें, आपको उनकी बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आपका जवाब यस है, तो इस बिजनेस में आपके कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आप इगोइस्टिक नहीं है, आप ईगो में नहीं रहते हैं, आपको ये नहीं लगता है कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों कॉपी करूं, मैं क्यों नहीं कॉपी, मतलब आपके अंदर ईगो होगी तो आप नहीं चाहोगे, आप चाहोगे नहीं, मैं अपने हिसाब से करूंगा, मैं अपनी मर्जी से करूंगा, मैं क्यों सुनूं। आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ अकेले का नहीं है। अगर आप अपने हिसाब से करोगे, आपकी टीम अपने हिसाब से करेगी, और हो सकता है कि सब लेफ्ट राइट हो जाए और चैप्टर क्लोज हो जाए। तो सबमिशन की पावर क्या है आप समझ सकते हैं। इसके बाद आती है दोस्तों पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। आप जब भी बोलते हैं, अपने आप से जो बातें करते हैं, जब आप लोगों से बातें करते हैं, टीम से बात करते हैं, प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, तो उस टाइम आपकी जो बातें होती हैं वो किस टाइप की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आगे बात करना चाहूँ कि माइंड सेट की, ये बिजनेस जो है टोटली माइंड सेट का है। आपका माइंड सेट कैसा है आपको ये चेक करना है, और अपने माइंड सेट के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट डालनी है, क्योंकि जो माइंड सेट और जो एटीट्यूड होता है ना दोस्तों हमारा, वो डिसाइड करता है हमारी डेस्टिनी। आज हम जो कुछ भी हैं, बिकॉज ऑफ आवर माइंड सेट एंड आवर एटीट्यूड, है ना। आपका एटीट्यूड किस टाइप का है? आप लीडर वाला एटीट्यूड रखते हैं या नहीं रखते हैं? आप कामयाब लोगों वाला एटीट्यूड रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ये आपको अपने आप से चेक करना होगा।
नंबर वन है, आज क्या मैं बताना चाहूंगा, इस माइंडसेट के गेम में अगर आप चाहते हो आजाद होना है, बिल्कुल फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम का मतलब यह है कि आप नहीं हैं तब भी आपका काम हो रहा है, आपके साथ हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं और फिर भी आपको पैसे आ रहे हैं। सोचिए, आपके बाद आपके बच्चों को आ रहे हैं। ये बिजनेस का नेचर है, हमारे इतिहास के बिजनेस का। बट ये कब होगा दोस्तों? जब हमारी टीम में एक बिजनेसमैन की जैसी मेंटेलिटी होगी। दो तरह की मेंटेलिटी होती है दोस्तों, एक बिजनेसमैन मेंटेलिटी होती है और एक एम्प्लॉय मेंटेलिटी होती है। जब आपकी बिजनेसमैन वाली मेंटेलिटी होती है, वो एक लॉन्ग टर्म वाली होती है। बिजनेसमैन हमेशा लॉन्ग टर्म सोचता है, वो बोलता है एक साल के अंदर मेरे को इतना फायदा होना चाहिए, या 2 साल में, या 3 साल में, या 5 साल में मेरी बिजनेस यहां तक जाना चाहिए, 10 साल में मुझे यहां पहुंचना है, 15 साल, 20 साल में मैं यहां पहुंच जाऊंगा, इस तरह की सोच रखता है एक बिजनेसमैन। लेकिन जब आप एम्प्लॉय होते हैं या कोई जॉब करते हैं, तो आपकी सोच क्या होती है? बस मुझे इस महीने में इतने मिल जाने चाहिए, अगले 12 महीने में मेरे को इतने पैसे चाहिए ही चाहिए, है ना? हर महीने चाहिए आपको, हर महीने पूरे साल चाहिए, तब जाके मामला सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या होगा? एकदम डिफरेंशिएट कर देता है आपकी पर्सनालिटी को, आपके माइंडसेट को, आपके एटीट्यूड को, कि आपको अगर बिजनेसमैन बनना है, क्योंकि आप जानते हैं बिजनेसमैन बड़ी कामयाबी ले सकते हैं, बिजनेसमैन ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है। मार्केटिंग प्लान कंपनी ने बनाया है इस तरीके से कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, बहुत शानदार कमा सकते हैं, जितनी मेहनत करो उतना ज्यादा आप कमा सकते हैं। यहाँ कोई सीलिंग नहीं है, यहाँ पे आपके लिए कोई ऐसा नहीं रखा गया है कि आप 1 लाख कमा सकते हो या 2 लाख कमा सकते हो, आप जितना चाहें उतना कमा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है आपके लिए, राइट? लेकिन आपका टारगेट है ना कि मुझे इतना कमाना है, ज्यादा कमाना है, तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे? कोई बिजनेस करेंगे। वही बिजनेस यहाँ पर है। इतिहास ने वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट बना दिए हैं, उसका बिजनेस करना है आपको, उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना दी है, उसके अलावा बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम है टियांस की तरफ से, जो कि आपको सक्सेस होने में रोक नहीं सकते हैं। आज मैं अगर मैं बात करूं कि आपको पहली पॉइंट हमेशा याद रखनी है कि आपको बिजनेसमैन की तरह सोचना है, एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना है। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं दोस्तों, वो सोचते हैं कि वो प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं, वो कभी परफेक्शन के बारे में नहीं सोचते हैं कि मुझे परफेक्ट होना है, बिल्कुल मास्टरी होना है, तभी मैं काम शुरू करूंगा। आपने देखा होगा कितने बड़े बिजनेसमैन हैं इस दुनिया में, जितने भी टाटाज, बिरलाज, अंबानीज के नाम सुनते हैं, जो बहुत बड़े लोग हैं दुनिया में, बड़े बड़े बिल गेट्स से लेकर एलन मस्क से लेकर जुकरबर्ग के नाम सुन लो, या कि बड़े बड़े लोग हैं आज की डेट में, जिनके नाम बड़े कॉमन है आज की डेट में हमारे हमारे आसपास में, या हमारे हम सुनते रहते हैं। ये वो सारे लोग हैं दुनिया में, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जो मिलेनियर, बिलेनियर हैं, मल्टा बिलेनियर हैं, ये कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने जो शुरुआत की थी दोस्तों, छोटे से शुरुआत की थी, बहुत छोटी सी शुरुआत की थी, लोगों ने अपने घर से शुरुआत की थी, लोगों ने अपने घर के गैराज से शुरुआत की थी, लोगों ने छोटी सी दुकान खोल के शुरुआत की थी। चाहे कितने ही लोग हैं, टाटाज हैं, बिरलाज हैं, अंबा, मतलब मैंने कहा हर एक की कहानी यही है, किसी ने एकदम बड़े से शुरू नहीं किया था, सबने बहुत छोटे से शुरू किया था। कोई ऐसे नहीं कि परफेक्ट थे, मास्टर थे, कुछ नहीं थे वो, उन्होंने भी ट्राई मारी थी, उन्होंने भी शुरुआत की थी, और वो कोई परफेक्ट शुरुआत नहीं थी, वो एक कोशिश थी, और उस कोशिश को उन्होंने इंप्रूवमेंट के अंदर डाला। उन्होंने कभी भी परफेक्ट की नहीं सोची कि हम जब परफेक्ट हो जाएंगे तब काम करेंगे, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और उन्होंने काम शुरू किया जब वो बिल्कुल आम इंसान की तरह थे। जब वो आम इंसान की तरह, आज आप इस बिजनेस में आए हो, आपको लगेगा यार मुझे कुछ आता ही नहीं है। मैं कहता हूं कि बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आपको इस बिजनेस में गोल्ड कार्ड बनना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है गोल्ड कार्ड। क्या आपका गोल्ड कार्ड बन चुका है? वेरी गुड, जिंदगी में एक बार ही गोल्ड कार्ड बनाना है। उसके बाद आपको 2 गोल्ड कार्ड अपनी टीम में इंट्रोड्यूस करना है, ताकि आपका जिंदगी में प्लेटिनम बन जाए। प्लेटिनम कार्ड में सबसे ज्यादा बेनिफिट है, प्लेटिनम कार्ड में प्रीमियम बेनिफिट है, कोई लिमिट ही नहीं है। प्लेटिनम कार्ड अगर आपने जिंदगी में कर लिया, उसके बाद आपको सिर्फ काम ही काम करना है, मेहनत ही मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना है। और मेहनत क्या करनी है? जो सिस्टम बता रहा है आपको, जैसे मैंने कहा कि आपका माइंड सेट होना चाहिए, नंबर वन क्या होना चाहिए कि मुझे प्रोग्रेस करनी है, और प्रोग्रेस मेरी धीरे धीरे होगी। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े लोगों की प्रोग्रेस भी धीरे धीरे हुई थी। और हमेशा याद रखना, जो लोग साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक फोकस करके चलेंगे, फोकस मतलब एक टाइम में एक काम, जो एक टाइम में 10 काम करते हैं, वो किसी भी काम में कामयाब नहीं होते हैं। वो 10 के 10 काम कर रहे होते हैं, कामयाब किसी भी काम में नहीं होते हैं। अगर आपको कामयाब होना है 10 के 10 काम में, बड़ा मुश्किल है दोस्तों। बड़े बड़े कामयाब लोग भी शुरुआत उन्होंने एक ही काम से की थी, शुरू में एक काम पकड़ा और उस काम में उन्होंने कामयाबी पाई। जब वो बहुत सारा कामयाबी ले लिया ना उन्होंने, उसके बाद उन्होंने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पैदा किए। बट शुरुआत सबने एक ही काम को पकड़ा था।
याद रखना कि अगर आप एक टाइम में आप फोकस करके चलते हो, अगर आप फुल टाइम और ट्यांस में और ट्यांस को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, तो साल के अंदर देखना आपके घर में चमत्कार हो सकता है। साल, 2 साल, 3 साल के अंदर आपके घर में 1 लाख रुपए की इनकम सेट हो सकती है। ये पॉसिबल है यहाँ से आपकी मेहनत की वजह से और एक माहौल की वजह से। नंबर टू दोस्तों, कि आपने ये महसूस नहीं करना है कि मुझे परफेक्ट होना है, अगर मैं परफेक्ट हो गया तभी मैं काम करूंगा, ये सोच नहीं होनी चाहिए। पहली है कि आपको प्रोग्रेस सोचनी है, कि धीरे धीरे छोटी छोटी प्रोग्रेस करनी है। आपको गोल्ड कार्ड बनना है, फिर आपको प्लेटिनम बनना है, फिर आपको 6 स्टार बनना है, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, फिर ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, डायरेक्टर, SDD, राइट। तो सेम चीज है, प्रोग्रेस है ये, धीरे धीरे ही सही आप प्रोग्रेस करेंगे। साथ में अगर आप शुरू में, हो सकता है आप 1000 रुपये कमा रहे हैं, 2000 कमा रहे हैं, 5000 कमा रहे हैं, 10000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन आप जैसे जैसे समय बढ़ेगा, आपकी मेहनत, आपकी टीम की मेहनत, जब आप माहौल के साथ काम करेंगे, तो आने वाले टाइम में हो सकता है आज आपको 10-20-50 हज़ार कमाने में जितनी मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है ना, उतनी ही मेहनत में साल, 2 साल, 3 साल बाद आपके इनकम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपये महीना, उससे भी ज्यादा हो। सोचिए आप, मेहनत हमारे पास 24 घंटे हैं, उससे ज्यादा किसी के पास नहीं है, लेकिन उसी 24 घंटे में आपकी इनकम तब बढ़ जाती है जब आप माहौल के अंदर रहकर लोगों के साथ काम करते हो, टीम के साथ काम करते हो। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मुझे एक बात समझ आ गई थी कि मैं इस बिजनेस में, मुझे नेटवर्क बनाना है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है और उनके साथ आगे काम करना है, और मुझे लाइक माइंडेड लोग चाहिए। मैंने एक बात सोची थी कि मुझे अपने जैसे लोग चाहिए, लाइक माइंडेड जिसको कहते हैं। लाइक माइंडेड लोग कौन होते हैं दोस्तों? जो आपकी तरह सोचते हैं। यकीन करना, मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि हमारी कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट है या नहीं है। कभी हम प्रोडक्ट के ऊपर बेस नहीं रहे, हमने सिर्फ प्रोडक्ट को बेस नहीं बनाया अपने काम का। और मैंने महसूस किया, मैं प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर, और मैं प्रोडक्ट के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं बिजनेस करने के लिए आया हूँ। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने कभी भी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस ही नहीं किया। यकीन करना, मैं सिर्फ बिजनेस के ऊपर बात करता हूँ, बिजनेस के ऊपर काम करता हूँ। मुझे विश्वास है कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट, हमारे पास में कम से कम 30 से ज्यादा प्रोडक्ट है इस टाइम इंडिया में, मैं कहता हूँ सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट भी हो ना, तब भी हमारा बिजनेस हो सकता है। एक सिंगल प्रोडक्ट से भी आप गोल्ड कार्ड बना सकते हो, एक सिंगल प्रोडक्ट से आप अपने आप को प्लेटिनम बना सकते हो, आप एक सिंगल प्रोडक्ट से यहाँ से 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार गोल्ड लाइन बन सकते हो, अगर सिंगल प्रोडक्ट भी हो तो। हमारी कंपनी में तो ऑलरेडी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट मैंने कभी दिमाग में रखा ही नहीं, चैलेंज ही नहीं रहा प्रोडक्ट। मेरे दिमाग में हमेशा ये रहा, मैंने परफेक्शन नहीं रखी कि बस यही प्रोडक्ट होगा तो ही मेरा काम होगा, नहीं, मैंने बोला मेरे को प्रोग्रेस करनी है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो मेरे पास प्रोडक्ट है, मुझे उसके साथ काम करना है। मेरा असली प्रोडक्ट था ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, राइट। उस कार्ड को बनाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट, क्योंकि सारे प्रोडक्ट हमारे कहते हैं ना कि ऐसे हैं कि किसी एक की तारीफ करो तो दूसरा बुरा मान जाएगा, राइट। हर प्रोडक्ट हमारा इतना शानदार है, तो डज नॉट मैटर। मैंने कभी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस ही नहीं किया, मैंने बिजनेस के ऊपर फोकस किया, इसलिए बिजनेस को बिल्ड किया। आपका फोकस सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर है या आपका फोकस जो है बिजनेस को बिल्ड करने में है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रेस के लिए। आप अगर अपने प्रोग्रेस को बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपको बिजनेस मेंटेलिटी बनानी पड़ेगी, बिजनेस मैन की तरह सोचना पड़ेगा, एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना पड़ेगा और प्रोग्रेस के बारे में सोचना है, जो है इसी में बेस्ट काम करना। लास्ट महीने में जो था उसमें शानदार प्रदर्शन किया हमारी टीम ने और जबरदस्त बिजनेस प्रोड्यूस किया हमने लास्ट महीने में भी, जुलाई में, और इस महीने हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि इस महीने हम और भी शानदार करने की तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी। नंबर टू, प्रोग्रेस कर लिया आपने। नंबर टू दोस्तों है लॉन्ग टर्म थिंकिंग, जो मैंने पहले भी कहा आपको कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग बिजनेसमैन सोचता है। अगर आप एज एम्प्लॉय काम करते हो या जॉब करते हो तो आपकी मेंटेलिटी ऐसी नहीं होती है। इसका मतलब अगर आपकी मेंटेलिटी शॉर्ट टर्म वाली है तो आपको अपनी मेंटेलिटी के अंदर बदलाव डालना है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। जो परिवर्तन के लिए तैयार होता है या तो वो सर्वाइव करता है या वो बेटर हो जाता है, राइट, ओवर द टाइम। तो आपको कुछ भी करना है तो आपको सोचना है कि मुझे अगले 5 साल में इस बिजनेस से क्या बनना है, क्या करना है, कैसी लाइफ होगी मेरे अगले 4 साल, 5 साल में, अगले 3 साल में, अगले 2 साल में। 2 से 5 साल का आप टारगेट बना के चलिए, अगले 2 से 5 साल में मैं अपने गुरु के साथ, अपने मेंटर के साथ, सिस्टम के साथ, कंपनी के साथ कंधे से कंधे मिला के काम करूंगा और मैं अचीवमेंट लूंगा। 2 साल में ये, 3 साल में ये, 4 साल में, और ये रिटर्न में होना चाहिए। अगर आपने रिटर्न में लिखा इस टारगेट को तो जाके ये प्रैक्टिकल होने वाला है। अगर आप रिटर्न में ना करके सिर्फ मन से सोच रहे हो, यकीन करना ये ख्याली ख्याली पुलाव है आपके। ख्याली पुलाव कभी पूरे नहीं होते हैं दोस्तों, लेकिन जब टारगेट बना के आप
उसको सेट करते हो ना कहीं पर, यस, तब जाके ऊपर होते हैं। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपकी कईयों सालों की होती है, और बिजनेसमैन हमेशा कुछ ऐसे ही सोचते हैं। अगर आप बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहते हैं, बिजनेसमैन की तरह बनना चाहते हैं, तो बिजनेसमैन की तरह आपको सोचना होगा। यकीन करना दोस्तों, आज से 20 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मुझे ये बातें समझ आ गई थी कि मैं एक बिजनेसमैन की तरह काम करूंगा यहाँ, मैं एक एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करूंगा, मैं एक जॉबर की तरह काम नहीं करूंगा। नंबर थ्री, यहाँ जो मुझे समझ आया था वो है हमारे जो इमोशंस हैं, जो हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों से, उसको हमें मैनेज करना है। आपने देखा होगा दोस्तों, अक्सर क्या होता है, जब हम मार्केट में जाते हैं तो लोग हमारे को ज्वाइन करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, और जब हमें लोग रिजेक्ट करते हैं या हमें मना करते हैं तो बड़ा दुख सा होता है, तो अप और डाउन होता है इमोशन। कभी बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं और कभी कभी हम बहुत डिप्रेस से फील करते हैं, अक्सर होता है ये। आप ह्यूमन बीइंग है, हम सब लोग ह्यूमन बीइंग है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, हम सब लोगों के साथ में ये होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों में होता है, मेरे ख्याल में 99.9% लोगों को ऐसा होता है। बट यकीन करना, जो लोग अपने इमोशन को हैंडल करना सीख गए, जो लोग अपने एक्सपेक्टेशन को हैंडल करना सीख गए, जो अपने इमोशंस को और एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करना सीख गए, उनको दोस्तों लोग जो मर्जी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है कि मुझे लगे रहना है और मुझे टिके रहना है। कुछ लोग मेरे को हाँ करेंगे, कुछ लोग मुझे ना करेंगे, कुछ लोग मुझको कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ लोग लेफ्ट राइट भी बातें करेंगे, उल्टी सीधी भी बातें करेंगे, जो भी बोले जो भी करे करने दो। आपको दोस्तों ऐसी चीजों से, इस तरह की चीजों को इग्नोर करना सीखना है। इस तरह की चीजों से आपको इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इस तरह की आपकी मेंटलिटी, इस तरह का अगर माइंडसेट है आपका, यकीन करना जबरदस्त तरीके से परिवर्तन आएगा आपके बिजनेस के अंदर। क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों, लोग जुड़ते हैं, काम करते हैं, एक महीने से लेकर महीना, दो महीना, तीन महीने बाद लोग गायब हो जाते हैं। क्यों होते हैं गायब? उसकी एक ही वजह है, क्योंकि वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो उनकी एक्सपेक्टेशन ही अलग होती हैं। उनको लगता है कि हर आदमी को हाँ करना चाहिए, है ना। जिस भगवान को आप मानते हो, क्या सभी लोग उस भगवान को मानते हैं? भगवान से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता ना, कोई भी भगवान हो, सारे भगवान पावरफुल है। बट जिसको आप मानते हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं मानते, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके भगवान कमजोर है। आपके भगवान पावर थे, पावरफुल थे, हैं और रहेंगे। बट जिन लोगों को वो फॉलो नहीं करते हैं, नो प्रॉब्लम, दुनिया भर के लोग पड़े हुए जो आपको फॉलो करना चाहेंगे, हमारे भगवान को फॉलो करना चाहेंगे। तो हमको जो है ऐसे लोगों से कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं ऐसे कहता हूं दोस्तों, इस तरह के जो लोग हैं जो हमारे साथ में, वो क्या है, एक भीड़ का हिस्सा है, और भीड़ हमेशा आती है और जाती है। भीड़ का हिस्सा नहीं, आप यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल। तो आपको हमेशा ये सीखना है कि अपने सिस्टम, अपने आपको, अपने इमोशन को कैसे मैनेज करना है, राइट। तो नंबर वन क्या था कि आपको हमेशा प्रोग्रेस के बारे में सोचना है, कोई परफेक्शन के बारे में नहीं सोचना है। नंबर टू ये है कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी है आपने, नंबर टू लॉन्ग टर्म थिंकिंग, नंबर थ्री है अपने इमोशंस को आपने मैनेज करना है, और नंबर चार दोस्तों जो ये वाली बात है कि वो ये है कि आपको एक स्टूडेंट की तरह काम करना है। एक स्टूडेंट होता है ना, वो हमेशा लर्निंग वाले एटीट्यूड में रहता है। हमने ये पढ़ाई लिखाई नहीं की जिंदगी में कि अमीर कैसे बन सकते हैं, पैसे वाले कैसे बन सकते हैं, बिना पैसे लगाए अमीर कैसे हो सकते हैं, कामयाब कैसे हो सकते हैं, कोई पढ़ाई लिखाई हुई आज तक? शायद नहीं हुई होगी। मेरे साथ भी ऐसे ही था, मुझे नहीं पता था कि जिंदगी में कामयाबी ऐसे भी मिल सकती थी। हमें तो ये पता था कि पढ़ाई लिखाई करनी है, फिर नौकरी करनी है, अगर खूब पैसे कमा लिए नौकरी से, उसके बाद कोई धंधा कर लेंगे छोटा मोटा, फिर जाके जिंदगी ऐसे करके आगे हम कभी बिजनेसमैन बन सकते हैं। बट ऐसा पता नहीं था कि यहाँ पे तो 10-20-50 हज़ार रुपए से शुरुआत करो और बन जाओ ग्लोबल बिजनेसमैन। तो ये अपॉर्चुनिटी मिली हमें। तो चौथा पॉइंट ये कहता है, बेशक ये बिजनेस 10-20-50 हज़ार रुपए से शुरू होता है, लेकिन ये बिजनेस दोस्तों मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस है, मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस है, जिसको आप एज ए स्टूडेंट की तरह लीजिए। यहाँ आपकी लर्निंग एटीट्यूड रहना चाहिए। जब आप आते हो तो सीखने के लिए, जब जाते हो तो सिखाने के लिए। कहते आना है सीखने के लिए और जाना है सिखाने के लिए। और सीखने और सिखाने के लिए दोस्तों नंबर वन क्या है, आज की डेट में हमारा जूम वेबिनार हो रहा है डेली 9 बजे। इसके अलावा हमारे बहुत सारे यूट्यूब में हमारे वीडियोज हैं, मोर देन 2,200 से भी ज्यादा वीडियोज हैं आज की डेट में। उनमें से बहुत सारी वीडियोज हैं जो आपके मतलब की हैं, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें, कैसे ड्रीम बिल्ड करें, कैसे कॉन्टैक्ट करें, कैसे इन्वाइट करें, कैसे प्लान शो करें, कैसे डेमो दें, कैसे क्लोजिंग करें, कैसे फॉलोअप करें, बीबीएस क्यों जरूरी है, मीटिंग सेमिनार क्यों जरूरी है। मतलब आपको याद रखना है दोस्तों कि ये सारी की सारी चीजें आपको हर महीने क्यों करनी जरूरी है। कोई भी मीटिंग मिस ना करें, सेमिनार मिस ना करें, बीबीएस मिस ना करें। और कहा जाता है अगर इस बिजनेस में अगर आप पार्ट टाइम भी काम कर रहे हो ना, हर 90 दिन में 3 महीने में डिसाइड कर लो
आपके आसपास में या दूर में जहां भी कोई भी बड़ा बीबीएस हो रहा है उसको अटेंड जरूर करना है। महीना में नहीं हुआ, दो महीने में नहीं हुआ, कोई पार्ट टाइम वाले लोग हैं, अगर आप 3 महीने में भी एक मीटिंग अटेंड करते हो तब भी आपकी जिंदगी सालों में, आने वाले सालों में बदल जाएगी। लेकिन अगर आप इस काम को फुल टाइम कर रहे हो, आपको कोई भी मीटिंग और सेमिनार और बीबीएस और इस तरह का जूम वेबिनार कभी मिस नहीं करना चाहिए। तो ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है जहां पर आप कंपनी के बारे में जानते हैं, ये कंपनी कैसी कंपनी है, कितनी जबरदस्त पावरफुल कंपनी है, कितने शानदार हमारे पास प्रोडक्ट हैं, कितने शानदार मार्केटिंग प्लान है, और इसके अलावा दोस्तों इस इंडस्ट्री के बारे में, इस इंडस्ट्री की ताकत कि सबसे ज्यादा करोड़पति पिछले 10 साल में इसी इंडस्ट्री ने बनाया इस दुनिया को। तो अगर आप ये सारी की सारी चीजें लर्न करते हो, जब इन चीजों के बारे में आपको पता होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे होता है, क्योंकि आपके पास नॉलेज भी है और आपके पास कॉन्फिडेंस भी है। कामयाब अगर होना है दोस्तों तो इस तरह की नॉलेज चाहिए, कंपनी क्या है आपकी, प्रोडक्ट क्या है आपके, और प्लान क्या है, राइट, और इंडस्ट्री कौन सी है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लर्न किया जा सकता है दोस्तों। मैंने एक बार और कही कि आपको मिनिमम कोई ना कोई एक बुक, आपको मोटिवेशनल बुक, पॉजिटिव थिंकिंग की बुक्स जरूर रीड करनी चाहिए। आपका एक रीडिंग की हैबिट, चाहे आप 10 मिनट पढ़ो, वीडियो, कोई कामयाब लीडर्स की वीडियो, ऑडियो जरूर सुनो, क्योंकि अगर आप ये काम करते हो तो डेफिनेटली आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो, और जो इंसान पॉजिटिव होता है वहाँ मिरेकल होते हैं दोस्तों, वहाँ चमत्कार होते हैं। तो आपको स्टूडेंट की तरह काम करना है। और मैं बात करूँ पांचवा, तो पांचवा पॉइंट है दोस्तों कि हम सब लोग इस बिजनेस में तभी कामयाब हो सकते हैं जब हमारे गोल्स हों, टारगेट हों। आपने देखा है ना कि बिग गोल्स आर पॉसिबल, बड़े बड़े टारगेट, बड़े बड़े गोल यहाँ पॉसिबल है, ये बात तो पक्की है। लेकिन आपने क्या अपने गोल बनाए हैं, स्पेसिफिक गोल? अपने स्पेशल गोल होते हैं कि मुझे 1 महीने में ये अचीव करना है, मुझे 15 दिन में ये अचीव करना है, 7 दिन में ये अचीव करना है, हर रोज मुझे ये वाला काम करना है। आपने राइट डाउन किया हुआ है कि डेली की एक्टिविटी मेरी ये है, वीकली एक्टिविटी मेरी ये है, और महीने में मुझे ये सारे काम करने हैं, और हर महीने मुझे ये वाले काम करने हैं। अगर आपने इनको राइट डाउन किया हुआ और इसमें कोई डेडलाइन डाली है कि ये तो मुझे आज ही करना है, आज 2 प्लान 3 प्लान 1 प्लान करना ही करना है, डेडलाइन है आज की, राइट? आपको पता है इस हफ्ते में मुझे इतने लोगों के साथ में मीटिंग करनी है, इतने लोगों से मिलना है, आज मुझे इस महीने में मुझे इतने होम मीटिंग करनी है, इतने मुझे ट्रेनिंग करनी है, राइट? अगर आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन करते हैं, जो नया डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ता है दोस्तों, उसको पता ही नहीं है करना क्या है, उसको पहले बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को क्या क्या करना जरूरी है। अगर आपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को, जो नए गोल्ड जुड़े हैं आपके साथ, ब्रॉन्ज जुड़े, सिल्वर जुड़े, गोल्ड जुड़े, प्लेटिनम जुड़े, क्या अभी तक आप अपनी टीम को ट्रेनिंग देते हो? जितने भी 7 स्टार हैं, इवन 6 स्टार हैं, अगर अभी तक आपने अपनी टीम को ट्रेनिंग देनी नहीं सीखी दोस्तों, तो आप बड़े बड़े सपने, जो मैंने कहा ना पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल होंगे? क्योंकि जो बेसिक है ना वो ये है कि अपने गोल को सेट करना है कि मुझे इस महीने में इतने लोगों को ट्रेनिंग देनी है, इतने लोगों को मुझे ट्रेन करना है, इनको मुझे लीडर बनाना। जो लोग एम्बिशियस हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में बड़ा, ऐसे लोगों को आप क्या कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो। अगर आपने टारगेट बना रखा है, गोल सेट किया हुआ है कि मुझे लोगों को ट्रेन करना है, तभी ट्रेन होंगे। आपने कोई टारगेट ही नहीं बनाया, कोई गोल ही नहीं बनाया महीने में कितनी ट्रेनिंग देनी है, किस किस को ट्रेनिंग देनी है, कोई प्लानिंग नहीं किया आपने दोस्तों, कोई डेडलाइन नहीं रखी आपने, तो ये फिर गोल नहीं है, ये एक फैंटासी है। फैंटासी मतलब सिर्फ आप ख्याल, विश कर रहे हो, इच्छाएं रखते हो, लेकिन आप एक्शन नहीं करते हो। आप सेट कीजिए अपने गोल को, टारगेट को। जैसे अभी आपने देखा बहुत सारे टारगेट पिछले महीने थे, बहुत सारे लोगों ने हिट किए, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था हिट करना है, सेट कर लिया था डेडलाइंस कि इस महीने के एंड तक हमें अपने 1200 करने हैं, और हम 5 स्टार होटल में जाकर अपनी लीडरशिप ट्रेनिंग करेंगे। दोस्तों ये सबके लिए बराबर था, ये कोई अलग नहीं था किसी के लिए, लेकिन जिसने किया था, क्यों किया, उन्होंने सोच लिया था कुछ भी हो करना है। आपने एक बार नहीं 10 बार बोलना है, टारगेट लिखिए, गोल लिखिए, और 10 बार बोलिए ये मुझे करना है, करना है, और करना है, और करना है। ये 10 बार डेली बोलिए, सुबह, दोपहर, शाम को। अगर 10 बार आपने बोलना शुरू कर दिया, 4 दिन के अंदर ऐसी स्थिति हो जाएगी, आप कर डालोगे इसको, महीने के अंदर वो टारगेट आपका फिक्स होने वाला है, सेट होने वाला है, हिट होने वाला है। अगर मैं पॉइंट नंबर 6 की बात करता हूँ आज की डेट में, वो है दोस्तों एसोसिएट विद विनर्स, विद सक्सेसफुल पीपल। जो कामयाब लोग हैं, क्या आप उनके साथ एसोसिएट रहते हैं? ये है पॉइंट नंबर 6 आज का।
अगर आप आजादी चाहते हो, अगर आप चाहते हो सिस्टम आपको आजादी दे, बड़े बड़े टारगेट फिट हों आपके, हिट हों, तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने आप को एसोसिएट करना पड़ेगा उन लोगों के साथ में जो इस सिस्टम के अंदर, टियांस बिजनेस के अंदर कामयाब हैं। आपको ये चेक करना है आज आप किन के साथ में बात करते हो, फोन किसके साथ करते हो आप, क्या आप ऐसे लोगों के साथ बातचीत करते हो, ऐसे के साथ में उठते बैठते हो जो इस बिजनेस के अंदर बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, इस बिजनेस में जो कामयाब हैं, आप कैसे लोगों के बीच में अपना टाइम स्पेंड करते हो, ये आपको डिसाइड करना है। क्या वो इस कंपनी में कामयाब हैं, इस इंडस्ट्री में कामयाब हैं? अगर आप ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट नहीं है दोस्तों, तो सोचिए, तो बेसिक चीज है, ये तो बेसिक है। अगर आप इस बिजनेस में बड़े बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं, टारगेट बड़े करना चाहते हैं, आपका एसोसिएशन कैसे लोगों के साथ, कैसे लोगों से आप कम्युनिकेट करते हो, कैसे लोगों से आप काउंसलिंग करते हो, राइट? अगर आप ऐसे लोगों के साथ में दोस्तों अपने आप को कनेक्टेड रखोगे, तो डेफिनेटली दोस्तों आप आने वाले टाइम में अपने आप को काम करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपको एनकरेज करेंगे, ऐसे लोग आपके अंदर जो बेस्ट है ना उसको बाहर निकाल के दे देंगे, क्योंकि जो आपके अंदर बेस्ट है ना, कोई बेस्ट इंसान ही, कोई सक्सेसफुल लोग ही आपके अंदर देखेंगे, यस आपके अंदर ये क्वालिटी है, अगर आपके अंदर ये वाली चीज और आ जाए तो और मजा आ जाएगा। तो क्या आप कुछ ऐसे माहौल में रहते हो क्या? क्या आपने अपने आप को ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड बनाया हुआ है क्या? ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपने देखना है आप कैसे लोगों के साथ में कनेक्टेड रहते हो, राइट? और हमेशा याद रखना दोस्तों, मैंने कहा ना, एसोसिएशन जो आपकी है वो हमेशा सक्सेसफुल, विनर्स, पॉजिटिव माइंड वाले, पैशनेट, जुनूनी, मेहनती इंसान के साथ में होना चाहिए। लेकिन याद रखना, अपने आप को कुछ भी हो, हर हालत में ऐसे लोग जो आपको नफरत करते हैं, जो आपको रिजेक्ट करते हैं, जो आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, आपके बारे में अफवाह फैलाते हैं, ऐसे लोगों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखना है, अपने आप को अवॉइड करना है दोस्तों ऐसे हेटर्स से, ऐसे लोगों से जो आपको, आपके बारे में गलत बातें करते हैं लोगों के बीच में, या मिसकम्युनिकेशन करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग डालते हैं, ऐसे लोगों को आपने अवॉइड करना है। ये लोग आपके लिए बहुत जहरीले हो सकते हैं, आपका माइंडसेट में अगर जहर चला गया, यू आर फिनिश, क्योंकि मैंने कहा ना, आपका एटीट्यूड और आपका माइंडसेट जो है डिसाइड करता है आपकी डेस्टिनी, आपका एटीट्यूड जो है आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा। आज से 5 साल बाद आप क्या बनने वाले हैं दोस्तों, ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि आज आप किन लोगों के साथ में उठते बैठते हो, कैसी किताबें पढ़ते हो, कैसे वीडियो देखते हो, किस तरह के लोगों के साथ में कम्युनिकेशन करते हो, ये डिसाइड करेगा कि आने वाले 5 साल के अंदर आपकी जिंदगी कैसी बनने वाली है। यकीन कीजिएगा, कहते ना, अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, व्हाट वी आर टुडे द सम ऑफ 5 लोग जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, हमारी तरक्की, हमारी ग्रोथ ऑलमोस्ट वैसी ही होगी। हम नेगेटिव लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो डेफिनेटली हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव के साथ रहते हैं तो डेफिनेटली चांसेस हैं दोस्तों आपके कामयाब होने के बहुत ज्यादा। तो ये था पॉइंट नंबर 6 कि अपना एसोसिएशन को हमें चेक करना है। अगर आप अपने एसोसिएशन को चेक नहीं करते हैं, यकीन करना दोस्तों, अगर आप, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों के बारे में ना अवेयर ही नहीं है, हम सोचते ही नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि आप अपने एक हाथ को अपने सामने ले लीजिए, आपका हाथ है ना, उल्टा हाथ ले लीजिए अपने सामने, और अपने उल्टे हाथ को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, आप ध्यान से देखिए। आप अगर आप 2 मिनट तक अपने एक उल्टे हाथ को देखोगे ना, शायद महसूस करोगे बहुत सारी चीजें आपको पता ही नहीं थी अपने हाथ की, आज आपको महसूस हो जाएगा, अरे भाई साहब इस हाथ में तो ये चीज है। और मैं कहता हूँ दूसरा हाथ भी निकाल लो अपना सामने, दोनों हाथों के सामने निकाल लीजिए और 2, 4, 5, 10 मिनट खूब निहारिए और चेक कीजिए। ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देंगी आपको जिंदगी में जो आज तक नहीं देखी आपने, जबकि आपके हाथ है, आपकी उम्र 40 साल है, 20 साल है, 50 साल है, क्या है, जो भी है, पता क्यों हमने इतने ध्यान से, इतनी बारीकी से कभी देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। सेम चीज है कि जब आप सोचते ही नहीं हो आप कैसे लोगों के साथ बातचीत करते हो, कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, कैसे लोगों का आपका एसोसिएशन है, तो क्या होगा दोस्तों, एक्सीडेंट होगा। क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है तो फिर तो एक्सीडेंट होगा, अगर हमें पता है तो चांसेस हैं कि एक्सीडेंट नहीं होगा, राइट? आपको पता है आगे गड्ढा है, आपने ध्यान दिया तो नहीं जाओगे गड्ढे में आप, और नहीं ध्यान दिया तो आप गड्ढे में जाके गिरोगे, राइट? और नंबर 7 पॉइंट है दोस्तों, आप हमेशा प्लग इन रहिए। प्लग इन मतलब इसको मैं कहता हूं स्टे प्लग, प्लग इन टू द सिस्टम, प्लग द पीपल इन टू द सिस्टम। एक सिस्टम बना है उसमें प्लग करना है। टियांस एक सिस्टम है, बड़ा सिस्टम है टियांस, जिसमें हम सब लोग जुड़े हुए हैं।
IDNet एक एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम है जहां पे एक लाइक माइंडेड लोग हमें मिल रहे हैं, राइट। अपनी टीम के अंदर एक स्प्रिट डालनी अगर आपको, तो टीम वर्क में बनाना पड़ेगा। जो लोग अकेले काम करना चाहते हैं दोस्तों, जो अकेले लगे रहते हैं, यकीन करना वो कोई बड़ा नहीं कर पाते जिंदगी में। जो लोग अकेले, वो सोचते ना कि मैं क्या करूंगा मीटिंग में आके, मेरा तो कोई आदमी नहीं है, मैं आऊंगा ही नहीं, है ना। तो क्या होता है दोस्तों, अगर मीटिंग में वो नहीं आएगा, क्या मीटिंग नहीं होगी? मीटिंग तो फिर भी होगी, लेकिन अगर वो मीटिंग में आएगा, हो सकता है उसको किसी की बात सुनने के बाद कुछ आइडिया मिल जाए कि उसका काम करने का तरीका बदल जाए और जिंदगी बदल जाए। लेकिन एक आदमी क्या सोचता है कि मैं क्या करूंगा जाके मीटिंग में, मैं क्या करूंगा ट्रेनिंग में जाके, है ना, मेरे को तो जरूरत नहीं है सीखने की, मुझे तो सब पता है। अगर सब पता है तो फिर कामयाब क्यों नहीं है, राइट। तो जो लोग कभी भी टीम वर्क में माहौल में काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की ग्रोथ के चांसेस बहुत कम है। तो आपको जरूर देखना चाहिए जहां आप जिस आदमी के साथ मेहनत कर रहे हो, क्या वो आदमी सबमिशन में रहने वाला है, यूनिटी में रहने वाला है, क्या वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाला पर्सन है। ये जो मैंने आज करेक्टरिस्टिक बताया आपको, ये उन लोगों के लिए है जो इस काम को 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल जिंदगी भर, आपके बाद आपके बच्चे इस काम को करें, ये सोच के आप इस काम को कर रहे हैं। तो अपने आप को एक्टिव अपलाइन के साथ, एक्टिव जो भी आपके ग्रोइंग अपलाइन है, सक्सेसफुल लीडर है, हमेशा कनेक्टेड रखना है दोस्तों। और कोई भी इवेंट मिस मत करना, कोई भी ट्रेनिंग मिस कीजिए, और जो भी काउंसलिंग है दोस्तों, हमेशा हमेशा आपको हर महीने अपने अपलाइन के साथ में काउंसलिंग करनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि कल फरीदाबाद में रविज है और उनकी टीम के लगभग 40 लोग आ रहे हैं। सोचिए आप, ऐसा होता था अभी तक तो हम जाते थे लोगों के पास में कि हम जाएंगे मीटिंग करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे। आज ये हो रहा है कि सर हम, आप मत आओ, हम आपके पास आ रहे हैं। दिस इज द चेंज। लोगों ने अपने अंदर जो चेंज किया है उसका रिजल्ट ये है दोस्तों कि आज उनकी ग्रोथ हो रही है और जबरदस्त ग्रोथ हो रही है। तो हमें जो प्रोडक्ट, बी द प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम, आपको सिस्टम का प्रोडक्ट बनना है। ये सिस्टम है और आपको सिस्टम का अगर प्रोडक्ट बनेंगे तो दोस्तों चमत्कार होगा। इसकी जगह हम इसको रीइन्वेंट करेंगे, हम सोचेंगे नहीं नहीं हम तो अपने हिसाब से करेंगे, तो कहते ना ईश्वरी आपका मालिक है। तो ये 7 पॉइंट थे जिसमें आपने आज सुना। पहला पॉइंट मैंने आपको बोलने की कोशिश की कि हमें प्रोग्रेस के ऊपर सोचना है, परफेक्शन के ऊपर नहीं सोचना है। हमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी है, हमको अपने इमोशन को, जो एक्सपेक्टेशन को है, जेन्युइनली कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, और एक स्टूडेंट की तरह काम करना है, अपने गोल को सेट करना है, हमेशा अपने आप को एसोसिएट करना है विनर्स के साथ में, और हमेशा स्टे प्लग्ड इन द सिस्टम, सिस्टम के साथ में हर हालत में, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में हर हालत में, अपने एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन के साथ में ऑलवेज आपको रहना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अपना माइंडसेट सब कुछ है, ये बात याद रखना। अपना एटीट्यूड और माइंडसेट ही हमारी डेस्टिनी, हमारी किस्मत, हमारा लक, जो भी बोलते हो आप, वही डिसाइड करता है। अपने नेचर को, अपने एटीट्यूड को सक्सेसफुल लीडरों की तरह, सक्सेसफुल लोगों की तरह बनाना है और सीखना है कि सक्सेसफुल लोगों का नेचर कैसा होता है, वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, राइट। हमें मॉडलिंग करनी है उनकी। द एटीट्यूड कम्स बिफोर द पे चेक, है ना। जो एटीट्यूड है ना, वो डिसाइड करेगा आपका कितना बड़ा बोनस होगा। एंड अगर आप चाहते हो इस बिजनेस में टॉप डायमंड बनना है, तो दोस्तों अपने आप, अपने अंदर बहुत जबरदस्त चेंजेस लाने के लिए तैयार रहना होगा। बड़ी सोच रखनी पड़ेगी आपको, और एक शानदार विजन होना चाहिए अपनी जिंदगी के बारे में भी और अपने बिजनेस के बारे में। क्या आपने कोई विजन बनाया है कि आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? क्या आपने ऐसा विजन बनाया है कि आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों ये सब कुछ होता है जब हम बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रूप में। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करोगे, यकीन करना आप अपने अंदर चेंजेस लाओगे, चीजें बदल जाएंगी, दुनिया बदल जाएंगी, रिजल्ट बदल जाएंगे। आप ये मत देखिए कि अभी आप कितना कमा रहे हो, कितना, व्हाट यू आर अर्निंग इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, व्हाट यू आर बिकमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। जो आप बन रहे हो ना इस प्रोसेस के अंदर, वो डिसाइड करेगा आपका बोनस कितना होने वाला है आज से 2 साल बाद 5 साल बाद 10 साल बाद। आप इस प्रोसेस में बनना, आपका नेचर, आपका करेक्टर, आपकी क्वालिटी, आपके अंदर जो गुण है वो कैसे डेवलप हो रहे हैं, ये डिसाइड करेगा आपकी डेस्टिनी, आपका फ्यूचर, आपका भाग्य, किस्मत जिसको बोलते हैं आप। तो भाग्य जो किस्मत है दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आप, हम अपनी मेहनत से अपने भाग्य को लिख सकते हैं। जो हमारी किस्मत है वो हमारी मेहनत लिख सकती है। अगर आपकी किस्मत में लिखा है ना, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, आप दुनिया नहीं घूम सकते हो, शानदार जिंदगी नहीं जी सकते हो। अगर किसी पंडित ने ऐसा कह भी दिया है तो उसको हम लोग झूठा साबित कर सकते हैं अपनी मेहनत से, और मेहनत भी एक तरीके से और सिस्टम से। आज के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि ये पहला दिन है,
क्लोजिंग के बाद का और पहले दिन में मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप इस तरह के माइंडसेट के साथ आप शुरू कर दिया आपने पहला दिन, तो डेफिनेटली पूरा 30 के 30 दिन, अगले 30 दिन 28 अगस्त तक आप एक अलग ही माहौल में आप काम कर रहे होंगे, एक अलग ही जगह पे होंगे आप। अब डिपेंड करता है कि आपने अपने दिमाग को किस तरीके से आज सेट किया है। दिस इज फर्स्ट डे ऑफ द अगस्त मंथ। इस महीने में आपने टारगेट सेट कर लिए, गोल सेट किए कि नहीं? आप किसी चीज का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं, कुछ आएगा तो हम कुछ करेंगे और नहीं आएगा तो क्या करेंगे? इसलिए दोस्तों इंतजार करने को वालों को कहते वही मिलता है जो करने वाले छोड़ देते हैं, राइट? तो करने वाले तो कर ही रहे हैं और करेंगे भी, तो हमने भी उसी कैटेगरी में आना है क्योंकि हमारी कामयाबी भी उसी पे डिपेंड है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि पूरा महीना एक शानदार, और पहले दिन में 20 PV पर और 50 PV पर एक कंपनी ने एक बंडल ऑफर दिया है आपको, कुछ डिस्काउंट दिए हैं, स्पेशल पैकेज बना के दिया है, उसका आपने फायदा उठाना है। और इस 4 तारीख से पहले अपनी जो है पहली क्लोजिंग में अपने मिनिमम PPV डालिए, और आपको मिनिमम 20 BV याद रखने हैं, 20 BV और 50 BV, नॉट PV। PV होते हैं, BV होते हैं, जो भी बोनस आता है वो BV पे आता है। और अपनी आदत डाल दो कि अपने को जब भी देखना है ना तो BV देखना है, नॉट PV। 100 BV, 200 BV, 400 BV, है ना, जिससे हम ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड बनते हैं, और 1200 BV तो हम प्लेटिनम बन जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आज मैं ही कहूंगा कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके की लीडरशिप अभी डेवलप हो रही है हमारे साथ में, आई फील वेरी प्राउड कि यस, आने वाले साल 2 साल के अंदर एक हम अलग जोन में जाने वाले हैं इंडिया में, और हर रीजन में हमारा बिजनेस अलग अलग लेवल पर ग्रो कर रहा है। जितने भी लीडर्स हैं इस बारिश में, जितना ज्यादा बरसात थी, मौसम खराब था, स्टिल जुलाई के महीने में अनबिलीवेबल बिजनेस किया है हम सब ने मिलकर। आप सभी नए अचीवर्स को, नए रैंक अचीवर्स को बहुत सारी बधाइयां, मुबारकबाद, और ये बेस्ट विशेज हैं कि आप जल्द से जल्दी आप 8-स्टार बनिए, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन बनिए, स्टार गोल्ड लाइन बनिए, डायरेक्टर बनिए, और जानना सबको SDD है, राइट? वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि आज की ट्रेनिंग के माध्यम से आपकी जिंदगी में एक नया माइलस्टोन तैयार हो जाएगा, एक नई रास्ता शुरू हो जाएगा। बेस्ट विशेज हैं, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव IDNET सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू चेयरमैन ली सर, थैंक्स टू यू एंड everyone, जिनकी वजह से हम सब लोग ग्रो कर रहे हैं, everyone के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी का प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए और ट्रेनिंग लेने के लिए एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया।